कान्हा, कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हारे प्रति इतना असंतोष जता रहा है और तुम हो कि उसकी सहायता करने जा रहे हो? दाऊ, दाऊ, मन का विकार पूर्ण रूप से निकल जाए तो व्यक्ति गंगा के समान निर्मल और पवित्र हो जाता है। यदि मेरा भक्त असंतुष्ट है तो उसे संतुष्ट करना मेरा परम धर्म है। आप कहाँ जा रही हैं देवी? वहीं प्रभु जहाँ आप जा रहे हैं। किंतु मैं तो अपने भक्त माधवदास के पास जा रहा हूँ, उसे कुटिया बनाने में उसकी सहायता करने। जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी, इसलिए मैं भी आपके साथ जाकर आपका कार्य करूँगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं कार्य कर लूंगा। आपको विश्वास है प्रभु कि आप उसके लिए घर बनवा सकेंगे? कैसे विश्वास दिलाऊं आपको, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको कष्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं। उचित है, मत ले जाइए मुझे, किंतु मैं भी देखती हूँ कि उसकी कुटिया मेरे बिना घर कैसे बनती है। कोई लाभ नहीं है, थोड़ा हटकर प्रयास करता हूं। इतनी पथरीली भूमि पर कैसे कुछ होगा? नींव के लिए जहां खोदने का प्रयास करता हूं, मेरा फावड़ा पत्थर से टकरा जाता है। लगता है महाराज और मंत्री जी ने मुझे तो प्रभु जगन्नाथ जी के सहारे ही छोड़ दिया है। और वो है कि जैसे उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, अन्यथा आते ना मेरी सहायता के लिए। चलो भैया माधवदास, तुम अपना प्रयास करो, वहां खोद कर देखो। प्रभु उसके निकट स्वयं छत्र लेकर खड़े हैं और उसे देखो, वो कह रहा है कि उसके भगवान को उसकी चिंता ही नहीं है। फिर भी कान्हा शांत रहकर उसका ये प्रलाप सुन रहे हैं, विश्वास नहीं होता। चलो भैया, अब अपना दुखड़ा तुमसे क्यों रो, तुम जहां जा रहे थे चले जाओ। इस कड़ी धूप में
इस भूमि को खोदने का कार्य तो मुझे ही करना होगा। थोड़ी छाव की व्यवस्था कर लूं, अन्यथा सूर्यदेव के ताप से तो मैं पत्ते की तरह सूख जाऊंगा। मित्र, वहां नहीं, यहां से आरंभ कीजिए। ये मिट्टी थोड़ी कोमल लग रही है। उचित कहा था तुमने मित्र, वास्तव में इस बंजर जमीन को खोदना संभव हो रहा है। बड़ी पारखी आंख है तुम्हारे भैया, एक एक क्षण में उचित स्थान ढूंढ लिया आपने। जैसे कि इस भूमि के कण कण से ज्ञात हो आप। ज्ञात कैसे नहीं होगा, मेरी ही तो भूमि है, तो उसके बारे में मुझसे अधिक किसको पता होगा। तुम्हारी भूमि अर्थात तुम हो कौन भैया? अपने ही शब्दों से पकड़े गए प्रभु। अब भैया क्या कहेंगे अपने भक्त को? बताओ ना भैया, तुम हो कौन, अपना परिचय दो। कन्हैया हूं, गो सेवकों के एक साधारण परिवार से। तो फिर ये भूमि तुम्हारी कैसे हुई? जगन्नाथ जी पुरी ही मेरा घर है, तो यहाँ की भूमि तो मेरी ही हुई ना। और पुरी का पावन धाम जितना प्रभु श्री जगन्नाथ का है, उतना ही उनके भक्तों का भी है। उनकी भूमि भले ही हो भक्तों की, किंतु प्रभु जगन्नाथ जी को अपने भक्तों की चिंता नहीं। इतना पुकारा मैंने किंतु नहीं आए, इतनी कठिनाई में भी पड़ा तब भी नहीं आए वो। और एक तुम हो, मेरे लिए एक अपरिचित होने पर भी सही समय पर संभाल लिया मुझे, और अब मेरे लिए ये छतरी थामे भी खड़े हो। अपरिचित कैसे, जब से तुम मुझसे मिले हो तब से कभी तुम मुझे सखा कहते हो, कभी बंधु तो कभी मित्र। तो अब तुम ही कहो, मैं तुम्हारे लिए अपरिचित कैसे हो सकता हूँ सखा? मैं तुम्हारे लिए अपरिचित कैसे हो सकता हूँ सखा? और सखा का कार्य मेरा भी कार्य है, तो ये मैं तुम्हें अकेले नहीं करने दूंगा। तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, इस कठोर कार्य में तुम स्वयं को झोंकने का कष्ट क्यों उठाओगे? मैंने तो मैं कर लूंगा। अच्छा, कर लोगे अकेले ही? हाँ हाँ, करना ही पड़ेगा, अब प्रभु जगन्नाथ जी कहाँ रहे मेरी सहायता के लिए। अरे किंतु मैं तो हूँ ना। नहीं नहीं, रहने दीजिए भैया, हाथ छिल जाएंगे, शरीर तप जाएगा, रहने दो, मैं कर लूंगा। मित्रता निभाने में कठिनाई नहीं देखी जाती सखा। अब यही तुम्हारी इच्छा है कि एक अपरिचित मित्र की सहायता करो, तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जो सरल मन वाले होते हैं उन्हें पहचानना इतना कठिन नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें जान चुका हूँ, और जो शेष परिचय है वो तो साथ कार्य करते करते मैं प्राप्त कर ही लूंगा। मेरी किरणों के ताप से इतना कष्ट हो रहा है, मैं ही अपने ताप को कम कर लेता हूं। मैं अपने वायु प्रवाह से वातावरण को शीतलता से भर देता हूं।
मैं प्रभु के लिए मेघों की छाया उत्पन्न कर देता हूं। देखा सखा, तुम आए और सारी कठिनाइयां सरल हो गई। वातावरण स्वतः बदल गया, अन्यथा प्रभु जगन्नाथ जी तो इतने ताप में मुझसे ये कार्य करवा रहे थे। इतने निर्दयी है वो। ऐसी तपती गर्मी में स्वयं कान्हा से सहायता मिली है, किंतु इसका असंतोष समाप्त ही नहीं हो रहा है। किंतु देखिए ना दाऊ, लगता है इसमें भी भैया कान्हा को आनंद आ रहा है। देखो मित्र, प्रभु के लिए ना तो मेरा दुखड़ा रोना बंद होगा और ना ही ये कार्य एक दिन में पूर्ण होगा। तुम मेरी जितनी सहायता कर सकते थे कर चुके, किंतु अब तुम्हें भी जाना चाहिए। तुम्हारा परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा ना, और भोजन का समय भी हो गया है। हाँ, भोजन का समय तो हो गया है, किंतु मैं ये कार्य समाप्त करके ही जाऊंगा। तो इतने परिश्रम के बाद भूख तो लगी होगी तुम्हें। भूख तो तुम्हें भी लगी होगी ना। हाँ लगी तो है, किंतु यहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा भी नहीं है कि उसी का फल लाकर तुम्हें दे दूँ। किंतु कुछ तो करना होगा, यहाँ ऐसे तुम्हें भूखे पेट नहीं रहने दे सकता मैं। चिंता मत करो सखा, भूखे पेट हम शेष कार्य नहीं करेंगे। क्या तुम पोटली में भोजन लेकर चले थे? क्या भोजन लाए हो तुम सखा? महाभोग। ये देखो, सत्य कहा है, प्रत्येक प्राणी में भगवान का वास होता है। जब से तुम यहाँ आए हो सखा, तब से मुझे मुझे भगवान के यहाँ होने का आभास हो रहा है। आज इस महाभोग का स्वाद दुगना हो गया, आज अपने सखा के साथ बैठकर खाने का जो अवसर मिला है। किंतु एक बात के लिए मुझे प्रभु जगन्नाथ जी का धन्यवाद करना ही होगा। उनके ही कारण मुझे तुम्हारी मित्रता प्राप्त हुई। उन्हीं का धन्यवाद भी करते हो और उन्हीं की शिकायत भी करते हो? क्यों ना करूं? हमारा आनंद देखकर कदाचित उन्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि सखा क्या होता है। मित्रता का अर्थ ही होता है समय पर एक दूसरे की सहायता करना। और उन्हें देखो, सहायता तो दूर की बात, एक बार देखने तक नहीं आए वो इस भक्त सखा को। बस अब ये धृष्टता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। नहीं नहीं सखा, अब विश्राम नहीं, अब तो कार्य करते ही रहना होगा। चलो उठो, छत बांधने में मेरी सहायता करो। भगवान को आदेश भी देने लगा है ये। इतना अपमान मेरे कान्हा का, लगता है अब मुझे ही जाकर समझाना होगा इस माधवदास को। दाऊ, भैया वहां है अपने भक्त को संभालने। यदि उन्हें अपमान का आभास नहीं हो रहा है तो आप भी क्रोधित मत होइए। देखिए ना, भगवान और भक्त का संबंध कितना अद्भुत है। प्रभु को तो इसमें कितना आनंद आ रहा है। Thank you.
सखा, सूर्यास्त हो रहा है, शीघ्र ही रात भी हो जाएगी, तुम्हें घर नहीं जाना, घर में परिवार वाले प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कोई तो होगा तुम्हारे परिवार में। हाँ हाँ है ना, भरा पूरा परिवार है, और वो सब मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, बड़े भैया हैं, छोटी बहन है, और मेरी प्रिय अर्धांगिनी भी तो है। प्रभु जगन्नाथ जी के समान ही बड़े भाई छोटी बहन तो उनकी भी है, अवसर मिलने पर मुझे भी उनसे मिलने में बड़ा आनंद आएगा। भेंट तो तुम कर चुके हो। कर चुका हूं अर्थात? अर्थात सखा, तुम जगन्नाथपुरी में इतने समय से हो, मंदिर के प्रांगण में ही रहते हो, और पुरी के प्रत्येक वासी का मंदिर में आना जाना नियमित रूप से लगा रहता है, तो संभव है तुम उनसे मिल चुके हो। अच्छा, वैसे तुम तो अभी भी कार्य कर रहे हो, तुम्हें घर परिवार के पास नहीं जाना है? नहीं, अभी नहीं, कार्य समाप्त करने पर ही जाऊंगा। मैं उन्हें समझा दूंगा कि मुझे विलंब क्यों हुआ। बड़े भाई क्रोधित तो होंगे। क्यों ना हूं क्रोधित मैं, ऐसे भक्त की सहायता करने का क्या अर्थ जो एक पल भी अपने भगवान के प्रति अपने असंतोष को दर्शाने में रुका नहीं। अब यदि उसने एक शब्द भी ऐसा कहा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार तनिक भी विश्राम किए बिना प्रभु भक्त माधव दास की सहायता करते रहे। अर्थात जिस भक्त के मन में प्रभु के लिए केवल शिकायतें ही थी, प्रभु उसकी सहायता कर रहे थे। जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब मन का विश्वास टूट जाता है, तब हम भगवान को दोष देते हैं कि वो हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, किंतु भगवान तो सदैव भक्त के साथ रहते हैं, उनकी दया दृष्टि भी सदा हम पर बनी रहती है। हमें बस आवश्यकता है अपने विश्वास को अडिग रखने की, और फिर जब रात बीत गई, नए दिन का सूर्योदय हुआ तो कुटिया बनकर तैयार हो चुकी थी। लो सका, कुटिया अब तैयार है। हाँ, क्योंकि मेरा सच्चा मित्र, मेरा सखा मेरे साथ जो था, मैं तो इतने कम समय में कुटिया बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, किंतु ये तुम्हारे कारण ही पूरी हो सकी है। लगता है अब ये प्रसन्न है, और अब तो अपने क्रोध से ये मुक्त हो गया। बहुत समय से मुझे लेकर कुछ नहीं कहा इसने, किंतु सखा अब तुम्हें बता, बिना सामने आए बिना हाथ बढ़ाए कोई किसी की सहायता भला कैसे कर सकता है, और उन्हें कौन समझाए कैसे समझाए, जिनके कान ही नहीं है वो भला मेरी बात क्या सुनेंगे। बस बस, बहुत सुन चुका हूं मैं, अब मैं स्वयं को नहीं रोक सकता। प्रभु है वो तो सर्वगुण संपन्न तो होंगे, सभी विकारों से दूर, सबसे निर्मल, सबसे पावन, किंतु लगता है जगत के नाथ होने का गर्व है उन्हें, तभी मुझ जैसे साधारण भक्त के पास नहीं आ रहे। कन्हैया दाओ, बलराम भैया आप?
भैया ये तो वही सज्जन है जिन्होंने मुझे जगन्नाथ जी के बारे में बताया। ये तुम्हारे भ्राता है? प्रणाम बड़े भैया। बड़े भैया आपने और सभी ठीक कहा था जगन्नाथ जी के बारे में कि वो कितने महान है, सर्वशक्तिमान है, किंतु आपने भी एक भूल कर दी थी। आपने कहा था कि कलयुग में भी जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ रहते, किंतु वो सत्य नहीं है, नहीं रहते। भैया उचित कहा ना सखा ने, देखिए ना, इतने दिनों से प्रभु श्री जगन्नाथ की प्रतीक्षा में था, लेकिन वो है कि उन्होंने अभी तक इसे दर्शन ही नहीं दिए। अरे इसका हाथ तक नहीं थामा। तो सुनो, तुम्हारी ये कुटिया तो अत्यंत सुंदर बनी है, किंतु एक कमी रह गई है। पर भैया कैसी कमी? कुटिया तो बन गई है किंतु घर नहीं। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर आत्मा बिन अधूरा है, ठीक वैसे ही तुम्हारी ये कुटिया अभी अधूरी है। तो बताइए ना बड़े भैया, इस कुटिया को घर कैसे बनाए? कोई भी भवन घर कैसे बनता है माधव, ये तो तुमको ज्ञात ही होगा। गृहिणी से तो माधवदास का घर बनाने में मेरी सहायता नहीं चाहिए आपको? उसमें कार्य ही कितना है, एक छोटी सी कुटिया ही तो बनानी है। आपको विश्वास है प्रभु कि आप उसके लिए घर बनवा सकेंगे? उचित कहा भैया ने, ये कुटिया तो घर तभी बनेगी जब एक गृहिणी आकर इसे घर बनाएगी। नहीं नहीं, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी दिवंगत है, किंतु मैं तो उसी के प्रति निष्ठावान हूं और अपने अंतिम श्वास तक रहूंगा। मैंने तो उसी से प्रेम किया और उसी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ जगन्नाथ जी की शरण में, उनकी सेवा करने। हाँ हाँ सखा, अवश्य करना अपने प्रभु की सेवा, किंतु किसने कहा तुमसे कि तुम्हें विवाह ही करना होगा? तुम्हारी भक्ति ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा प्रेम भी अटूट है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बड़े भैया नहीं तो कहा गृहिणी के बारे में, किंतु आप क्या करेंगे, हम इस कुटिया को घर कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो, इस कार्य में मेरी पत्नी हमारा साथ देगी। भूल तो मेरी ही थी, मुझे आपको साथ लाना चाहिए था देवी, अब किंतु क्या अब आप हमारी सहायता करेंगी? अरे सखा शांत मत रहो, भाभी माँ से अनुरोध करो ना। चिंता मत कीजिए, मैं इसीलिए तो आई हूँ यहाँ पर। हम सब कुछ भगवान से चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। वे तो केवल भावनाओं के भूखे हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।